गोरखपुर शहर की सड़कों पर बिना लाइसेंस व पंजीकरण के दौड़ रही 5 एम्बुलेंस को सीज कर दिया गया है। एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने खुद ही एम्बुलेंसों की जांच की और कागजात में कमी मिलने पर कार्रवाई की। पुलिस की जांच में ऑक्सीजन व दूसरे जरूरी उपकरण भी एम्बुलेंस में नहीं मिले, लेकिन ये मामले पुलिस के दायरे में न होने की वजह से कार्रवाई के लिए कागजात को आधार बनाया गया। एसपी ने बताया कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। आपको बता दें, शहर में मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए समय से अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस महज एक टैक्सी ही है। उस पर एम्बुलेंस लिखकर बिना लाइसेंस वालों के हाथों में गाड़ियां दे दी गई हैं। इस तरह के मामले सामने आने पर एसपी ट्रैफिक ने अभियान चलाया तो हकीकत भी सामने आ गई। एम्बुलेंस को रोकने के दौरान यातायात पुलिस ने खास तौर से एक बात का ध्यान भी रखा कि जिस एम्बुलेंस को चेक किया जाए उसमें मरीज ना हो। जिनमें मरीज नहीं थे, ऐसी 5 एम्बुलेंस की कमी पाई गई। एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने बताया कि एम्बुलेंस के चालक के कागज, पंजीकरण, प्रदूषण की जांच की गई तो सभी में कमी मिली है। 5 एम्बुलेंस को सीज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा आज नियम विरुद्ध चल रहे एम्बुलेंस के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें 5 एम्बुलेंस जो नियम विरुद्ध पाए गए थे उनको सीज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है।